सी एच ओ रहता है, कार्बोक्सिलिक की पहचान सी डबल ओ एच रहता है। आओ चलो देखो, कल बहुत कुछ आप पढ़े थे, अल्कोहल से क्रिया करा रहे थे, आ जाएगा दूसरा का अपचयन। अगला हेडिंग रहेगा अपचयन, क्या रहेगा अपचयन, पहले इसके बारे में समझो अपचयन होता क्या है। अपचयन का मतलब होता है ना हाइड्रोजन को जुड़ना ऑक्सीजन को बाहर निकलना, हाइड्रोजन दो है तो उसको चार हो जाना, इसको भी आप क्या कहेंगे अपचयन। ऑक्सीजन एक है उसको बाहर निकल जाना, इसको भी आप अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की अधिकता। जैसे अपचयन में पहला लिखा है कि एल्कोहलों में अपचयन, एल्कोहलों में अपचयन। अब क्या पढ़ रहे हैं मालूम, रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं रासायनिक गुण। तो देखो एल्कोहलों में अपचयन, एल्कोहलो कुछ छूटा है क्या, अच्छा इसके पास लिखा देना चाहिए, एल्कोहलो में अपचयन। मान जो एल्डिहाइड है वो कैसे एल्कोहल में बदलेगा, बस समझ रहे। मान लो आपके पास क्या है सी एच थ्री सी एच ओ है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एथेनॉल, क्या नाम होगा इसका एथेनॉल। और इसमें उत्प्रेरक रूप में कुछ मिला दीजिए, कई मन इसमें दिया है उत्प्रेरक में, आप चाहे तो मिला लीजिए सोडियम या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यही मिला लीजिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी मिला सकते हैं। देखो यल आई को कहते हैं लिथियम, आ एक चार रहेगा लिथियम, आ एल को कहेंगे एल्युमिनियम, आई एच को कहेंगे हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और भी मिला सकते हैं चाहे तो, इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मिला सकते हैं, चाहे तो आप सोडियम बोरोहाइड्राइड मिला सकते हैं। तो इसके बाद से मिलाने के बाद जो होता है आपका ये जो होता है एल्कोहल में बदल जाता है, किसे बदल जाता है एल्कोहल में, किसे बदलेगा एल्कोहल में, क्या हो रहा है अपचयन। तो अपचयन का मतलब होता है CH3 CH2 OH CH3 CH2 OH। अब देखो ध्यान से एक चीज़, जैसे यहाँ चार एच है ना तो वही एच एड हो रहा है। तो देखो इसमें पहले एच कितना था, तीन एक चार, अब इसमें एच कितना हो गया तीन, तीन दो पाँच एक छः, एच बढ़ गया ना, जब एच बढ़ जाता है तो इसी को ऑक्सीजन कहते हैं। हाइम ऑक्सीजन कितना है एक, हमें तो एक तो ठीक बढ़ गया, हाइड्रोजन तो बढ़ गया, बस समझे। कीटोन में भी यही हाल होती है, देखो कीटोन में अगर लिखना चाहते हैं सी एच थ्री, ये तो एल्डिहाइड की बात रही, सी एच थ्री सी डबल वन ओ है, फिर यहाँ पर सी एच थ्री, इसका क्या नाम है एसीटोन, अभी मैं पूछ रहा था इसको, इसका क्या नाम है एसीटोन। देखो सब लोग याद रखो इसका नाम है एसीटोन, एसीटोन एसीटोन एसीटोन, मैं लगातार चिल्ला के कह रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है बहुत, आप लोग याद कर लीजिए। इसमें भी आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मिला दीजिए तो होगा क्या, सी तीन को बात वही रही सी एच थ्री, ठीक है सी एच थ्री, और यहाँ पर चलो सी एच टू कर लो, और फिर यहाँ पर सी एच थ्री कर लो, अब नहीं होता है ना तो यहीं पर आप ओ एच लगा लो, सिंपल सी बात करके तो क्या बन गया, जैसे ओ एच इसलिए लगा रहे क्योंकि अल्कोहल में ही बदलता है। और देखो यहाँ पर तीन और तीन छः का हाइड्रोजन थे, यहाँ पर तीन और तीन एक चार, चार तीन सात एक आठ, दो का हाइड्रोजन बढ़ गया, तो अपचयन हुआ कि नहीं हुआ, अपचयन हो गया। इसका क्या नाम होगा बताओगे, एक दो तीन, अगर इसका नाम लिखते हैं ना हम लोग आई पी एस सी तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन टू और ओ एच के लिए क्या लिख देंगे आर लिख देंगे, तो प्रोपेन टू आर। देखो बाबू एक आज जरूर शब्द सुन लो अपचयन होता कहाँ है, तो अपचयन की सिंपल से बात है कि अपचयन में क्या होता है हाइड्रोजन की संख्या इधर बढ़ जाती है जो उत्पाद होता है उसमें, और ऑक्सीजन की संख्या क्या होती है घट जाती है, और इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। थोड़ा सी लाइन में लिख लो, लिखो एल्कोहलों में अपचयन। देखो जब एल्डिहाइड और कीटोन का, जब एल्डिहाइड और कीटोन का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उत्प्रेरक उपस्थिति में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के उत्प्रेरक उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण होता है। क्रिया कराते हैं अरे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड उत्प्रेरक उपस्थिति में छोटा लड़का बोली ना कहाँ तक लिखा है बोलो बता रहे हैं के उपस्थिति उत्प्रेरक उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण होता है। हो गया जिसे अपचयन कहते हैं इतनी बात समझो सब लोग जिसे अपचयन कहते हैं जिसे अपचयन कहते हैं द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण होता है जिसे अपचयन कहते हैं। तो समझो प्राथमिक और द्वितीयक का है इधर सुनो सब लोग लिख लिए हाँ तब देखो ये बताए कार्बन है ए सुरतिया है कार्बन है तो ही वैसे एक को भी हमारे ना देख ले नीचे मुड़ी है प्राथमिक कार्बन है प्राथमिक का है कार्बन है आ ई कार्बन से देखो OH जुड़ा है कहाँ जुड़ा है OH अब जाना कार्बन से OH जुड़ा है कार्बन पीछे वाले एक कार्बन से जुड़ा है इसीलिए इसको प्राथमिक अल्कोहल कहेंगे। अब हाई कार्बन से OH जुड़ा है इस कार्बन से क्या जुड़ा है OH और जवना कार्बन से OH जुड़ा है ये कार्बन दो कार्बन से किधर और एक इधर दो कार्बन से जुड़ा हुआ है इसीलिए हम इसको द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। तो कीटोन से द्वितीयक अल्कोहल बनता है एल्डिहाइड से प्राथमिक अल्कोहल बनता है बात समझे। और देखो इसमें हाइड्रोजन 3-3-6 हो रहा है इसमें 3-3-6-1-7-8 हो रहा है इसमें हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ रही है इसलिए इसको अपचयन कर रहा हूँ नोट कर ले इसको सीखे कि नहीं सीखे बताओ अपचयन कहते हैं। देखो क्या है आपके पास हाइड्रोकार्बनों में अपचयन। अच्छा एक मतलब जान रहे हो क्या कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है वह हाइड्रोकार्बन में बदलेंगे और हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन मेथेन एथेन प्रोपेन एथीन ब्यूटेन जो भी हो तो हाइड्रोकार्बनों में अपचयन का मतलब होता है कि अब इसमें हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ेगी। मान लो आपके पास कीटोन है क्या है कीटोन में कार्बोनिल समूह होता है कार्बोनिल समूह की पहचान क्या होती है सी के साथ डबल बॉन्ड ओ होता है जब भी सी के साथ डबल बॉन्ड ओ होगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कार्बोनिल समूह कहते हैं। तो देखो ध्यान से रिएक्शन में मान लो कि ये सी है सब लोग ध्यान से देखो बाबू मैंने कल कहा था खूब केमिस्ट्री आप लोग याद करिएगा ना याद करवा राजकुमार तो कहना हो मतलब पढ़ाई के लेवल आपका गिरता जा रहा है ध्यान रखना पढ़ाई का जो लेवल गिरता जा रहा है और बोर्ड लग गिर के जीरो मत हो जाओ हम देखते हैं जिम्मे आपको पढ़ना पड़ेगा बाबू बस समझ रहे याद करना पड़ेगा जब पढ़ा जाए ना तभी दिमाग का विकास होता है जितना ही पढ़ेगा उतना ही दिमाग विकसित हो नहीं अच्छा आपको अच्छा लगेगा याद करना फिर पढ़ो। चलो हाई कीटोन है ना कीटोन एल्डिहाइड भी हो जाएगा इसके साथ अगर सी एस थ्री एच जोड़ देते एल्डिहाइड नहीं जोड़ते कीटोन हो जाएगा मान लो यह है। और आपने लिखा कहा है बाबू कि जिंक और मरकरी की उपस्थिति में और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है हाइड्रोकार्बन बनता है ना तो दोनों कार्बन ऐसे ही रखेंगे दोनों भाई माने जो बॉन्ड है सी यहाँ पर सी एच फोर आपका हो जाएगा सी एच फोर मेथेन चार होता है। अरे यार इधर तुम चाहो तो CH3 नहीं लिख सकते क्या बनाए आप लोग देख लेते हम लोग टू लगा लो तो टू हो गए अगर तुम अब भैया यच रखब भैया यच जैसे देखो ये जोड़ा गया है तेन देख लो ध्यान से यहाँ CH2 जोड़ा गया है अगर तुम यहाँ पर यच रखते तो यहाँ भी तुम अब दोनों जगह तो यच रखोगे नहीं यहाँ CH3 रख दो तो अब इसके साथ जब लिखोगे तो CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3 तो एथेन हो गया और अगर दोनों जगह CH3 रख देते हो तो इसका उलट करके CH3 CH2 CH3 होगा तो क्या बन जाएगा प्रोपेन बन जाएगा तो ये आपका बना। अच्छा
और का बनेगा जल H2। मान लो ऑक्सीजन आखिर बचल बने तो जल तो बने। अच्छा देखो ये क्या ऑप्शन हुआ इसमें, यहाँ हाइड्रोजन कितना था, यहाँ हाइड्रोजन एक भी नहीं था, और यहाँ हाइड्रोजन कितना आ गया, चार, दो यहाँ पर चार आ गया, इसलिए इसको ऑप्शन हम लोग कहते हैं। तो नोट कर लो इसको, जिंक और मरकरी की उपस्थिति में हम लोग क्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, जिंक और मरकरी की उपस्थिति में। आई इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्लीमेंसन अभिक्रिया, याद कर लो अबे, याद कर लो अबे, याद कर लो, कीटोन ले लो इस अभिक्रिया को, क्लीमेंसन, क्लीमेंसन अभिक्रिया कहते हैं, क्लीमेंसन अभिक्रिया कहते हैं। अब लिख लो इसके बाद से बोल्फ, बोल्फ किशनर अपचय, देखो इसमें कीटोन लोगे यानी कार्बोनिल समूह लोगे, और इसकी क्रिया देखो NH2 डबल आप लिखना है, NH2 इसका नाम जानते हो क्या होता है, हाइड्रेजीन, अबे आगे बताएंगे आपको, इसका नाम होता है हाइड्रेजीन, और नीचे आपका जल की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, देखो आपके पास सी और सही रखेंगे, डबल बॉन्ड एक एन जाएगा और फिर आपका NH2 जाएगा, जो मेरे कहने का मतलब है कि वो हट गया आई एच के साथ ही जा करके जल बना लेगा, अब बचेगा एन, बचेगा NH2, तो एन NH2 हमने लिख दिया। फिर हमने इसमें उत्प्रेरक के रूप में KOH मिलाया, और यह क्या मिलाया, एथिलीन ग्लाइकॉल, तो याद है आपको एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र, फिर नीचे CH2OH, कल बताया तो गया था आपको, आप इसी नाम भी बताया गया, तो बनेगा का हाइड्रोकार्बन बनता है CH2, जब हाइड्रोकार्बन देखो CH2 का मतलब ये हो गया, और दो का N बच रहा है तो N2 आपका बाहर निकल गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं बोल प्रतिष्ठान आप चेयर, समझ लो एक बार खूब अपने आप से लिख लोगे, इसमें किया का जाता है ना, सर्वप्रथम हम लोग कीटोन या कार्बोनिल समूह वाला यौगिक लेते हैं, ये कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, अगर यहाँ पर H लगा देंगे, यहाँ पर CH3 लगा देंगे तो CH3 और CHO हो जाएगा, तो एल्डिहाइड हो जाएगा, यहाँ CH3 लगा दो, यहाँ CH3 लगा दो, तो जब दोनों जगह CH3 लगाओगे तो कीटोन हो जाएगा। आपने डाई अभी इसी का जिक्र कर रहे हैं पीछे, हाइड्रेजिन इसको होता है NH2 रहेगा तो ठीक है, भाई माइनस का मतलब होता है कि जब क्रिया होगा तो यहाँ से जल बाहर निकलेगा, ये माइनस से दिखा रहा है कि जल बाहर निकलेगा, माइनस से दिखा रहा है कि जल बाहर निकलेगा, दिखाया नहीं गया है जल बाहर निकलेगा कैसे, भाई जगह बाहर इसे डबल बॉन्ड सी रख दिए, फिर डबल बॉन्ड एक यहाँ से H2O बन करके बाहर निकल गया तो यहाँ दिखाया, अच्छा यहाँ दिखाओ या प्लस करके यहाँ दिखाओ कोई दिक्कत, तो पहले ही दिखा दिया सी डबल बॉन्ड N और फिर आपका NH2, फिर KOH की उपस्थिति में और एथिलीन ग्लाइकॉल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, CCH2 बनता है, ये बॉन्ड रहेगा CH2 और प्लस दो गैन बच रहा है ना, तो NH2 देखो हाइड्रोकार्बन ये बन गया, क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन बन गया, बात समझ रहे हैं, थोड़ा सा नोट कर लीजिए इसमें, लिखो कि जब देखो अमोनिया और इसके व्युत्पन्नों का संयोजन, छह नंबर है, अमोनिया और इसके व्युत्पन्नों का संयोजन,
अमोनिया और इसके व्युत्पन्नों का संयोजन। देखो सब लोग, सर्वप्रथम क्या करते हैं कि हम लोग कार्बोनिल समूह लेते हैं। मान लो कार्बोनिल समूह का मतलब होता है उसमें कि सी डबल ओ रहना चाहिए, और इसकी क्रिया यहाँ पर लिखा गया है कि H2NZ से कराते हैं। यह उत्क्रमणीय होता है, जब क्रिया कराते हैं तो जो कार्बोनिल समूह है बाबू, इससे देखो कार्बोनिल समूह से एक OH जुड़ जाता है और एक NHZ जुड़ जाता है। फिर जब आगे क्रिया कराते हैं तो C डबल बॉन्ड NZ का निर्माण हो जाता है, प्लस H2O का निर्माण हो जाता है। देखा आपने, अब देखो हमने तो क्रिया करा दिया, आपने समझा कि कार्बोनिल समूह है, और ये जो आपके पास है इसका नाम भी आप देख रहे हैं कि इसको आप H2NZ लिख सकते हैं। अब जेड का है तो जेड एक प्रकार का कोई तत्व है, मान जेड एक प्रकार का मान व्यवस्था है जहाँ पर आप रख रख के मान विभिन्न प्रकार के तत्व को रख करके नए नए यौगिक को निर्माण कर सकते हैं। और का है जरा देखिए, चलिए जगह है उसे रिएक्शन कराए हैं तो देखो यहाँ से H2 देख रहे हैं, एक H यहाँ से गया तो H, एक H बचा है तो NHZ इसके साथ जुड़ गया है। और फिर बाद में आपने क्रिया कराया है, जेड है तो आपके पास जल बाहर निकल जाएगा। देखिए दो गो एच है एगो ओ, जल बाहर निकल गया और सी और डबल बॉन्ड NZ आपका मिल गया। अब सब लोग ध्यान से देखो यहाँ सब लोग को देखना है, ठीक है। यहाँ जेड, यहाँ सूत्र, यहाँ जेड, यहाँ सूत्र और यहाँ नाम, ठीक है। अभिकर्मक का नाम जो मैंने नाम होगा उसको लिखेंगे, अभिकर्मक का नाम, ठीक। और फिर यहाँ पर जैसे नाम आ गया वैसे हम लोग क्या करते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे। जैसे आप जो व्यवस्था लगाएंगे उसके लिए जो सूत्र आप यूज करेंगे H2N Z, अब जेड का मान रख रख के आपको बनाना है बाबू। हम जेड का मान यच रखो, देखो यहाँ पर यच दिखा है तो जब जेड के जगह पर यच रखेंगे यहाँ पर, सब लोग समझो जेड के जगह क्या रखना है यच, तो जब यच आप रखेंगे तो ये बताइए कितने यच हो गया, तीन हो गया, तो तीन को यच हो जाएगा तो आप यन यच थ्री लिख सकते हैं, जिसको आप अमोनिया कहते हैं। अब जेड को रखते चलिए आपका बनता चला जाएगा सर, आपने जेड के जगह क्या रखा, आपने जेड के जगह क्या रखा, आपने जेड के जगह क्या रखा यच, तब क्या बन गया सूत्र बन एच थ्री, और अभिकर्मक के नाम में क्या हो जाएगा, अभिकर्मक के नाम में क्या हो जाएगा। अब कार्बोनिल व्युत्पन्न जो मैंने उत्पाद बना है उसके लिए भी लिख लेते हैं कार्बोनिल, खूब टाइम इस पर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, कार्बोनिल व्युत्पन्न और यहाँ हो जाएगा उत्पाद। अच्छा कार्बोनिल जहाँ व्युत्पन्न है ना उसके लिए यही सूत्र यूज करेंगे जो यहाँ पर देख रहे हैं, सी डबल बॉन्ड एन जेड, तो यहाँ एन जेड, तो बताओ जेड के जब क्या रखना है यच है तो सी है डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर आपका क्या हो जाएगा एन एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका एन एच। अब बताओ जब एन एच है तो इसको क्या लिखते हैं, एमिन लिखते हैं ना। अच्छा देखो अभी आप लोग जाइएगा तो आपको पढ़ाएंगे हम, एमिन जब पढ़िएगा तो एमिन तीन प्रकार का होता है, एमीन कितना बता दें आप तो इतना जानते होंगे सर, एमीन के लिए आप NH2 का यूज करते हैं तो इसको एमीन कहते हैं, तो प्राथमिक एमीन होता है, इसके साथ मात्र एक ही R जुड़ा होता है, एक ही R का मतलब एक ही CH3 जुड़ा होता है। यहाँ से आपका एक इधर लिखते हैं, यहाँ से आपका एक H कम हो जाएगा ना तो आपके इसके साथ दो R जुड़ जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का अंतिम में तीन होता है आपको याद होगा, पहले आपका दो हाइड्रोजन था तो एक R, अब एक हाइड्रोजन था दो R, तो ये द्वितीय एमीन कहलाएगा, क्योंकि इसके जिस यच मान जिस नाइट्रोजन से यच जुड़ा है अब उसके साथ मान खाली ये देखिए कि यन के साथ कितने कार्बन जुड़े हैं दो, तो इसको द्वितीय कहें, और खाली एक यन हो जाएगा और तब इसको हम लोग क्या कहते हैं तृतीय कहते हैं, इसको पसंद में है ना, तो ये जैसे इस यन से एक तो इसको प्राथमिक एमीन हम लोग कहते हैं।
तो बात का हुई इसमें, तो इसको हम लोग उत्पाद के रूप में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एमीन लिखेंगे ना, एमीन इसलिए क्योंकि यहाँ पर एनएच। तो देखो आपने क्या क्या बना दिया बाबू, ये देखो अभिकर्मक क्यों कह रहा है ये, अभिकर्मक यहाँ पर अभिकर्मक, अभिकर्मक का मतलब क्या होता है, अभिकारक। तो देखो अभिकारक के रूप में ये कार्य कर रहा है, रिएक्शन के पहले दिया तो अभिकर्मक किसी ने लिख रहा, अभिकारक के रूप में ये कार्य कर रहा है, जो बन रहा है अंतिम में। देखो ये बन रहा है, ये वाला हिस्सा ये उत्पाद है, ये नहीं अंतिम है, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, ये उत्पाद है आपका, हाँ समझे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एमीन कहेंगे। अब जरा देखिए, अब आपने, अब आपको देखो जेड का मान, अब जेड के जगह पर आर रख दीजिए, क्या रख दीजिए, आर रख दीजिए, जरा सोच के देखो, ए यहाँ देखो सब लोग, अब जेड के जगह पर आर रखो, आर का मतलब होता है एल्की, आर का मतलब क्या होता है एल्की, आर। अच्छा चलो मान लो कि जा देखते भी चलो तुम लोग, एच टू एन और यहाँ पर आपने आर रख दिया, इसी को सजा कर लिखोगे तो आर एन एच टू हो जाए, आर एन एच टू, एन एच टू का मतलब क्या होता है, एन एच टू का मतलब एल्किल एमीन होता है, अब यहाँ अगर सी एच थ्री रहता ना तो मेथिल एमीन कहते हैं उसको, तो अब यहाँ पर ये काब हो जाएगा, अब हो जाएगा एमीन, क्या हो गया, एमीन हो गया। अभिकारक, अभिकर्मक का मतलब अभिकारक, मान इसमें आप रखे तो ठीक है, दो चीज़ों में आप तो रख रहे हैं, उत्पाद को प्राप्त अभी माने अभिकर्मक को प्राप्त करने के लिए इसमें रख रहे हैं और उत्पाद को प्राप्त करने के लिए इसमें आप रख रहे हैं, ठीक है। चलो अब क्या रखना है, जेड के जगह पर सोच के बताओ, आर रखेंगे ना जेड के जगह पर, तो क्या होगा, जरा देखो यहाँ डबल बॉन्ड सही रखोगे सी और एन और यहाँ हो जाएगा आर, आर का मतलब होता है सी एस थ्री, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापित एमीन, यानी सिप, सिप क्षारक इसी कहा जाता है, प्रतिस्थापित एमीन, ए एमीन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये डबल बांधवा, इसी को हम लोग कहते हैं सिप कारक, सिप कारक। अब देखो ये क्या होगा, ध्यान से समझाते हैं, तो सोचो कि अगर हम इसको अच्छा सा नाम लिखे तो सी, ठीक है ना, सिर्फ क्षारक लिख लगा, ठीक, इसको अगर लिखे सी और यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड लगाया, मान लो कि यहाँ पर आपने एच लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर सी एच थ्री लिख दिया मान लो, और यहाँ पर यह नहीं है लिखो, आर की जगह पर भी क्या लिख दिया, सी एच थ्री लिख दिया, तब कोई पूछा कि इसका नाम लिखिए तो क्या नाम होगा, देखो ध्यान से, पहले सी एच थ्री लिख लो, यह लिखते हैं सी एच थ्री लिख दो, तब भाई सी एच लिख दो, तब भाई डबल बॉन्ड एन लिख दो, और तब आप सी एच थ्री लिख दो, तो इसका नाम जब लिखोगे ना तो इधर अलग है, तो मेथिल आ के कहा जाएगा एक दो मेथिल, अच्छा एक काम करो पूरा इधर काउंटिंग करो एक दो, और ये शाखा के रूप में हो जाएगा मेथिल, और तब होगा जानते हो कहा, मेथिल लिख देना और तब लिखना प्रोपेन, प्रोपेन लिखना, तब एन के लिए एमीन लिखना, तब दू करके इन लिख देना, दू करके क्या लिख देना, इन, डबल बॉन्ड के लिए इन लिख देना। खैर नाम हम लिखने की जरूरत नहीं है, खाली आप इसको बनाते चलिए, का हो रहा है उसको देखते चलिए आप, ठीक है। अब तो आर रख दिए, उसके बाद से आपके पास ओ एच रखना है, क्या रखना है, ओ एच, तो रखो इस जेड के जगह पर ओ एच, तो क्या होगा, एन एच आपके पास क्या है, सही से सजा के लिख दो, एन पहले लिखो तब एन एच टू ओ एच, एन एच टू ओ एच, इसका नाम होगा हाइड्रॉक्सिल एमीन, ओ एच को क्या कहते हैं, हाइड्रॉक्सिल, और इसको क्या कहेंगे, एन एच टू एमीन, तो इसका सूत्र क्या बनेगा, एन एच टू ओ एच, इसका नाम होगा हाइड्रॉक्सिल एमीन, हाइड्रॉक्सिल एमीन, ओ एच को हाइड्रॉक्सिल तो कहते हैं ना, और एन एच टू को क्या कहेंगे, एमीन। अभी जौन ओ एच बा, अब उसके साथ हम रखेंगे उत्पाद के साथ, तो क्या बनेगा, बनेगा सी डबल बॉन्ड एन और जेड की जगह पर ओ एच, तो एन ओ एच जब रहता है ना तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीन, क्या कहेंगे इसको, ऑक्सीन, ऑक्सीन, कब, जब एन ओ एच रहेगा तब, जब भी एन ओ एच रहेगा तो उसको हम लोग ऑक्सीन कहेंगे। अभी आप अभी लिखे थे ना हाइड्रेजिन, याद है हाइड्रेजिन लिखा गया था इसका पहले एन एच टू, एन एच टू, तो देखो वही आ रहा है, अब जेड की जगह पर आपको एन एच टू रखना है, क्या रखना है, एन एच टू, तो सूत्र क्या बनेगा, एन एच टू एन एच टू, इसका क्या नाम होगा, हाइड्रे जी, हाइड्रे जी, यहाँ पर क्या होगा बाबू,
डबल बॉन्ड लगा लो, सी डबल बॉन्ड एन और फिर यहाँ पर एन एच टू, एन एच टू, एन एच टू रख रहे हैं ना जेड के जगह पर, तो यहाँ भी जेड के जगह पर एन एच टू रख देना है। तो इसका क्या नाम होगा, हाइड्रोजोन, इसका हाइड्रोजीन था इसका हाइड्रोजोन हो जाएगा, थोड़ा सा अंतर आ जाएगा बस, हाइड्रोजोन। ठीक है, अब आपको क्या रखना है, अब आपको रखना है जेड के जगह पर एच एन और बेंजीन। देखो इस तरीके से बनाना है, एन एच आर बेंजीन रख दिया। तो जब यहाँ पर रखोगे तो क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पर जब रखोगे जेड की जगह पर तो आई तो एन एच टू ऐसे ही रखेंगे, इसका सूत्र क्या बनेगा, एन एच टू, एन एच टू, एन एच टू तो पहले से ही है, फिर आपका एन एच या एच एन जो भी कहो, और यहाँ पर बेंजीन का चित्र आपको बना लेना है, बेंजीन का चित्र छोटा छोटा बनाइएगा, लेकिन बढ़िया बनाइएगा, ऐसे बना लो। अब इसका जो नाम दिया गया है फेनिल हाइड्रेजीन, अच्छा हाइड्रेजीन क्यों लिखे, डबल एन एच आया है, डबल यहाँ पे था, डबल यहाँ पे था, और एच के लिए फेनिल लिखेंगे, तो इसका नाम होगा फेनिल, फेनिल और हाइड्रेजीन, हाइड्रेजीन, फेनिल हाइड्रेजीन। ठीक है, अब उसमें भी जोड़ देंगे तो फेनिल हाइड्रेजोन हो जाएगा, सेम वही आएगा, जगह में जोन आया था इसमें भी जोन ही आएगा ना, यहाँ तो जैसे वैसे ही रख लेना है। अब इसके जगह जैसे डबल बॉन्ड सी लिख लो, डबल बॉन्ड एन और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, अब जेड के जगह पर जहाँ जेड है उसके जगह पर इतना आपको जोड़ देना, कितना एच एन और बेंजीन, बेंजीन को बढ़िया बना लो ऐसे, बेंजीन बना लेना आपको, और इसका नाम क्या हो जाएगा, फेनिल हाइड्रोजोन, फेनिल हाइड्रेजोन। ठीक है, तो आप बाकी जो आपका बच्चा है उसका नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देख रहे हैं ना आपका एन एच है तो इसमें आप लिख देंगे 2,4 डाई नाइट्रोफिनिल हाइड्रोजोन, 2,4 टीएनपी, टीएनपी का पूरा नाम होता है डाई नाइट्रोफिनिल, यही नाम होगा इसका। ठीक है, चाहे हाइड्रोजीन है तो इसमें हाइड्रोजोन हो जाएगा, बात सब वही रहेगा। अगर एन एच सी ओ एन एच टू है तो सेमी कार्बोजाइड कहते हैं इसको, और फिर इसका नाम आप लिख लेंगे, तो थोड़ा सा आप खूब बढ़िया फिगर बना के लिख लीजिए इसको खूब आराम से। टका होता है ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीकरण की जब बात करेगा, या केवल ऑक्सीकरण ही बात करिए, तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, एकदम निश्चित है। एल्डिहाइड होगा सी एच ओ होगा तो सी डब्ल्यू एच में बदल जाएगा, कीटोन होगा सी ओ होगा तो सी डब्ल्यू एच वो भी बदल जाएगा। तो देखिए जरा, हमने का लिया एल्डिहाइड, आर लिया, सी एच ओ लिया, और आपने क्या लिखा, नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करा, तो ये ऑक्सीजन में जाके इसमें एड हो जाएगा, और क्या बात करता हूँ, आर सी डबल ओ एच बन गया। अच्छा, कहीं भी सी डबल ओ एच आ जाता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं इसे। अच्छा, इसके जगह पर आर के जगह पर आप एक उदाहरण अगर पेश करें यहाँ, तो आर के जगह पर सी एच थ्री लिख लो, सी एच ओ लिख लो, इसका नाम बोलो मेथेनाइल होता है, नहीं एथेनाइल होगा, दो कार्बन है, एथेन लिख करके इसमें एल जोड़ दो एथेनाइल, और फिर इसमें नवजात ऑक्सीजन रहेगा, और इसमें सी एच थ्री और सी डबल ओ एच हो जाएगा, इसका नाम बोलो एथेनोइक एसिड। अच्छा, एथेनोइक क्यों, दो कार्बन है, एक तो वर्मा जी तुम लोग ध्यान से समझिए, क्या आ तू को कार्बन बता, एथेनोइक 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 एथेनोइक, ये कहते हैं मेथेनोइक, तीन गो प्रोपेनोइक, चार गो ब्यूटेनोइक, दुपट्टा बड़ा हरा हलो वाला बड़े तो खतरनाक वो फोटो देखी या तो ऐसे हो जाएगा आपका, उदाहरण में देख लो एथेनोइक एसिड, एथेनोइक क्यों, एथेनोइक वही वही कहाँ लिखा था, ये बलिराम बाबू कहाँ है वही कैसे लिखा गया, सी डब्ल्यू एच के रूल होता है, कहीं भी आपको सी डब्ल्यू एच मिल जाए तो इसका यूज करते हैं, जल्दी से लिख लो। नीचे वाला कीटोन वाला भी एक रिएक्शन लिख लेना, कीटोन कीटोन कीटोन, ये जो कुछ है।
देखो आओ अब कीटोन ले लो आर, तो कीटोन में दिखा दो आर सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू आर डैश, नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होगी। देखो आप इसको एक करिए, आप इसको दो करिए, इसको आप तीन करिए, तो देखो होगा क्या बाबू, ये टूटेगा, ये क्या होगा टूटेगा, कौन कौन टूटेगा देखो, यहाँ से ये देख रहा है ना, एक ये टूटेगा, जैसे मान लो कि यहाँ ये बॉन्ड है ना, जैसे ये सी वन है, ये सी टू है, सी थ्री है, तो सी टू वाला टूटेगा, माने जो सी टू और सी थ्री है ये टूटेगा, तो ये टूटेगा देखो क्या बनेगा, आर आर बनेगा, ये टूट रहा है ठीक है ना, ये टूट रहा है पहले बार, तो जब टूटेगा तो आर सी एस टू वहीं लिखो ठीक है, और सी सी लिखो और डबल बॉन्ड ओ लिखो, सी डबल बॉन्ड ओ अब तब ये अच्छी लिखो, सी डबल ओ ये अच्छी लिखो, समझो ध्यान से, और यार वहीं लिखा गई और सी एस टू वहीं लिखा गई और ये सब बॉन्ड टूटा, तो सी ओ है और मान लीजिए कि आपको बनाना का है कार्बोक्सिलिक सी ओ है और एक ओ और ये अच्छी यहाँ पर आ जाएगा सी डबल ओ एच बनेगा, प्लस प्लस देखो एक आपके पास क्या है आर डैश है, एक अब ये टूटेगा यहाँ से ये टूटेगा, तो एक आर डैश है तो आर डैश लिख लो, फिर आपका सी एस टू लिख लो, फिर आपका आई सी सी डबल ओ और फिर आपका लिख लो, यह चीज इस तरीके से कीटोन का भी विदलन होता है, एक बार ये टूटेगा तो इतना बनेगा आर सी एस टू सी डबल ओ एच, एक बार ये टूटेगा तो इतना बनेगा आर डैश सी एस टू सी डबल ओ एच, दोनों कार्बोक्सिलिक का ही है कि नहीं, कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक का मतलब है सी डबल ओ एच कहीं आगे, समझे बात को, आप सिंपली भी दिखा सकते हैं आपकी इच्छा, माने मैं चार को दिखाया है तो आप इसको दिखा सकते हैं, एक बार में दूग रहेगा, एक बार में दूग रहेगा, और सी डबल ओ एच दोनों में उपस्थित है, नोट कर लो इसको, कीटोन का ये है, अब अपने हिसाब से कुछ भी दिखा देंगे सही रहता है, ठीक है, चलो बस इतना ही रहने दो, इतना ही रहने दो।